ब्रह्मलीन युग पुरुष दिग्विजयनाथ की 85वीं एवं ब्रह्मलीन राजसंत अवैधनाथ की 5वीं पुण्यतिथि पर गुरु गोरखनाथ मंदिर में आयोजित साप्ताहिक पुण्यतिथि कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शुक्रवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित शामिल होने गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने मीडिया से बात करते हुए हिंदी दिवस से पूर्व कहा कि संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर हिंदी को संविधान में जगह दिया और आज हिंदी सम्मान के साथ पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बोली जा रही है। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दिया। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा, संविधान सभा के श्रद्धेय हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच विचार कर हिंदी को राष्ट्रभाषा राजभाषा घोषित किया था। उस समय कुछ दिक्कतों के कारण अंग्रेजी को भी साथ साथ चलाने का निश्चय हुआ था। प्रसन्नता की बात है कि हिंदी बिना किसी राजाश्रय के, बगैर किसी सरकार के सहयोग के पंख फैलाकर उड़ी है और दक्षिण के तमाम राज्यों में हम लोगों का आना जाना होता रहा पहले भी, तो वहाँ पर हिंदी बोलकर काम नहीं चलता था। अब वहाँ पर अधिकांश लोग हिंदी बोलते दिखाई पड़ते हैं, तो अनेक कारण हैं जिनके कारण हिंदी बढ़ी है। हिंदी में भारत बोलता है, भारत व्यक्त होता है, प्रकट होता है, हिंदी में हंसता है, हिंदी में दुखी होता है, हिंदी स्वाभाविक रूप में भारत की राजभाषा है। इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश की आदरणीय जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि हिंदी यहाँ की है और सारी दुनिया में फैल रही है।